इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर फार्मास्यूटिकल एड में जो एक टॉपिक है प्रिजर्वेटिव्स, उसके बारे में जानेंगे। आइए अब प्रिजर्वेटिव्स के बारे में जानते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं। प्रिजर्वेटिव्स आर दोज केमिकल व्हिच यूज्ड एलोन आर इन कम्बिनेशन टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सोल्यूशन। प्रिजर्वेटिव्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि सिंगल यानी एलोन या कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो ना हो उससे ये रोकते हैं। प्रिजर्वेटिव्स आर द केमिकल एजेंट्स व्हिच प्रिवेंट द प्रोडक्ट कंटामिनेशन और प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन। प्रिजर्वेटिव्स ये ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो कि ये प्रोडक्ट को कंटामिनेशन से और उसको डिकम्पोजिशन से रोकते हैं बाई द एक्शन ऑफ एनी कंटामिनेशन इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल। कोई मतलब किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन है, चाहे इन्वायरमेंटल है या बायोलॉजिकल है, तो उससे ये प्रिजर्वेटिव्स फार्मुलेशन को बचाते हैं कि फार्मुलेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो। प्रिजर्वेटिव्स कॉमनली एड इन द फार्मास्यूटिकल एंड वेरियस फूड प्रोडक्ट्स बाई फूड प्रोडक्ट्स फॉर इन्हेंसिंग देयर स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ। प्रिजर्वेटिव्स कॉमनली मिलाए जाते हैं फार्मास्यूटिकल, ये फार्मास्यूटिकल में तो मिलाए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, ये जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनते हैं उसमें तो ये मिलाया जाता है, और वेरियस फूड को भी ये प्रोटेक्ट करते हैं, और इसका जो स्टेबिलिटी होती है और सेल्फ लाइफ होता है जो प्रोडक्ट का, उसको ये प्रिजर्वेटिव्स बढ़ा देते हैं। फिनालिक कंपाउंड लाइक सोडियम बेंजोएट आर हाईली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। फिनालिक कंपाउंड लाइक सोडियम बेंजोनेट ये ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो कि ये मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ये यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, दैट एजेंट व्हिच प्रिवेंट द कंटामिनेशन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव एंड डिग्रेशन बाई माइक्रोब इज कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ऐसे एजेंट्स जो कि कंटामिनेशन से रोकते हैं, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उससे रोकते हैं, और जो उसका डिग्रेशन है माइक्रोब का उससे ये रोकते हैं, तो उसको एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहते हैं। दीज एजेंट्स आर एक्टिव इन लो कंसनट्रेशन, और ये लो कंसनट्रेशन पे जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं ये लो कंसनट्रेशन पे एक्टिव होते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो फिनालिक कंपाउंड होते हैं, अभी हम लोग देखे हैं फिनालिक जो कंपाउंड था वो क्या था, सोडियम बेंजोएट, तो हम लोग देख चुके हैं ये एंटी माइक्रोबियल होता है। पैराबीन्स, प्रोलीन, ग्लाइकोल, बीएचटी, बीएचए, ये फिनालिक कंपाउंड है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और इसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को, माइक्रोबोस्टेटिक और माइक्रोबिसाइडल। माइक्रोबोस्टेटिक जो होता है ये क्या करता है, जो कोई भी ग्रोथ है या मल्टीप्लाइकेशन है तो उसको ये रोकता है। दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ग्रोथ एंड मल्टीप्लाइकेशन ऑफ द माइक्रोब, ये माइक्रोब की ग्रोथ को और मल्टीप्लाइकेशन को, यानी एक से दो जो बनते हैं उनके ग्रोथ को रोकता है। और माइक्रोबिसाइडल द एजेंट डायरेक्ट किल द माइक्रोब, ये डायरेक्ट क्या करता है, किल कर देता है माइक्रोब्स को। सेकेंड है एंटीऑक्सीडेंट एजेंट, दोज एजेंट्स व्हिच प्रिवेंट द प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन एंड डिग्रेडेशन इन द परसेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के परसेंस में क्या करता है कि प्रोडक्ट का जो ऑक्सीडेशन और डिग्रेडेशन है उससे ये रोकता है। जनरली एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड ऑफ द ऑक्सीजन, ये जनरली एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है ये मोर रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन की तरफ, तो इसलिए सो एंटीऑक्सीडेंट आर मिक्स विद द प्रोडक्ट एंड ओवरकम द प्रोडक्ट रिएक्टिविटी, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट को मिक्स करते हैं प्रोडक्ट के साथ में जो कि जो प्रोडक्ट रिएक्टिविटी है उसको ओवरकम कर सके। इसका एग्जाम्पल है एस्कार्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टोकोफेराल्स, बीएचए, बीएचटी।
थर्ड है चिलेटिंग एजेंट, दोज एजेंट्स व्हिच फॉर्म द साइक्लिक कंपाउंड आर कॉम्प्लेक्सेस विद द फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन। ऐसे सबस्टेंस जो कि साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं उनको ये डिग्रेडेशन, मतलब फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट हैं उनको ये डिग्रेडेशन से प्रिवेंट करता है, रोकता है फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में, यानी जो फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, उसको ये डिग्रेडेड ना हो, इसके लिए उसको बचाता है, ये रोकता है चिलेटिंग एजेंट। इसका जो एग्जांपल है ADTA पॉलीफॉस्फेट, ये चिलेटिंग एजेंट के एग्जांपल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। प्रिजर्वेटिव को मतलब सोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, ये दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं बिंगेर हॉनी कस्टर ऑयल साल्ट सुगर, और जो सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स हैं सोडियम बेंजोएट BHA BHT। यूज एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स का यूज क्या है वो देखते हैं। प्रिजर्वेटिव्स इनहेंस द स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। प्रिजर्वेटिव ये प्रोडक्ट के सेल्फ लाइफ और स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, सो इट मेंटेन द प्रोडक्ट एक्टिविटी फॉर लॉन्ग टाइम। इसलिए जो प्रोडक्ट की एक्टिविटी हो तो लंबे समय तक रहती है। इट प्रिवेंट द प्रोडक्ट बाई एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन, इंक्रीज दियर रेसिस्टेंस पावर अगेंस्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ। ये क्या करता है कि जो प्रोडक्ट में माइक्रोबियल कंटामिनेशन हैं उससे रोकता है कि, यानी जो प्रोडक्ट है उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, एंड इंक्रीज दियर रेसिस्टेंस पावर अगेंस्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ। और जो पावर होती है माइक्रोबियल, मतलब माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो पावर होती है प्रोडक्ट में, उसको ये और बढ़ा देता है। मेनी इन्वायरमेंटल फैक्टर इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रॉपरली प्रॉपर्टी फॉर ओवरकमिंग दिस एक्टिविटी प्रिजर्वेटिव आर आल्सो यूज। मेनी इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी जो बहुत से इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो कि प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कंटामिनेटेड करते हैं, तो फॉर ओवरकमिंग, तो उसको क्या करता है प्रिजर्वेटिव, ओवरकम करता है। दिस एक्टिविटी प्रिजर्वेटिव आर आल्सो यूज, और जो ये एक्टिविटी है यानी प्रोडक्ट की, उसको ये और बढ़ा देता है। इट आल्सो मिक्सेस विद द फूड प्रिपरेशन फॉर प्रिवेंशन देयर ऑक्सीडेशन। और जो प्रिजर्वेटिव्स है इसका, इसको फूड प्रिपरेशन में भी इस यानी मिक्स करके और फूड का जो प्रिपरेशन है उसको बनाने में भी किया जाता है, ताकि ये जो ऑक्सीडेशन है उसको ये रोक सके। तो यानी प्रिजर्वेटिव्स का यूज फूड प्रिपरेशन में भी किया जाता है। अब इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।